मध्य प्रदेश के भोपाल में इस वक्त भोपाल मेला लगा हुआ है, जहां आपको स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखने को मिल सकता है। लेकिन यहां ना तो आपको चमकदार प्लेट में खाना मिलेगा और ना ही ऐसा खाना जो आप शहरों में हर रोज खाते हैं। जी हां, यहां पत्तल में खाना मिलता है, बनाती आदिवासी महिलाएं हैं। लेकिन इस मेले के खाने का स्वाद ऐसा है कि हर कोई उंगली चाटता रह जाएगा। खाने में मक्के ज्वार की रोटी है, महुआ का लड्डू और ऐसी सब्जी जो सिर्फ आपको यहीं खाने को मिलेगी। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इस मेले में आए कुछ स्टूडेंट्स को आपको सुनाते हैं, जो इस मेले और इसके खाने की खासियत को बयां कर रहे हैं। मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। मुझे सबसे अच्छा फैसिनेटिंग लगा कि जिस तरह से इन्होंने थाली का इस्तेमाल ना करते हुए इस लीफ में दिया है, क्योंकि आजकल हम थाली और प्लेट्स में ही डिस्पोजल के खाते हैं। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, क्योंकि हम हॉस्टल में रहते तो हमें रोटी ये सब बहुत ही वैसे वहाँ इतना खास नहीं मिल पाता। तो मुझे सबसे अच्छी ट्राई करना था कि बाजरे और मक्के की रोटी, जो कि हेल्थ के लिए भी काफ़ी सही है और पेट भी जल्दी भर जाता है, क्योंकि हम चाट वाट तो खाते रहते हैं, बट ये जो है ट्रेडिशनल फूड वो मुझे पसंद है। बस यही कहूँगी कि मैंने भारत का खाना खाया है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग चाइनीज़ फूड और ये सब कैफेज़ में जाते हैं, बट यहाँ पे आज जाके ऐसा लगा कि वी आर नाउ इन ट्रेडिशनल इंडिया, जो भारत है। तो सुना आपने किस तरह से स्टूडेंट इस मेले में बने इस खाने की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि मेले में पहुंचे लोगों ने जब चूल्हे पर रोटी को पकते देखा तो उस चूल्हे की रोटी का स्वाद भी बखूबी चखा, क्योंकि इस चूल्हे पर ज्वार की रोटी, मक्के की रोटी पकाई जा रही थी, जिसका स्वाद इन स्टूडेंट्स को काफी पसंद आया। साथ ही महुआ के लड्डू की मिठास की भी मेले में आए लोगों ने खूब तारीफ की। क्या कर रहे, महुआ के लड्डू खा रहे, एक व्यंजन है जो कि काफ़ी कम लोग को मिलता है स्वाद करने का। ये इसकी स्वाद बहुत ही बढ़िया, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये हल्का मीठा सा आ रहा है, जैसे मिठाइयाँ नहीं होती हमारे यहाँ, बिल्कुल वैसे मीठा सा स्वाद आ रहा है इसका लड्डू का। हमारे यहाँ क्या होता है कि आटे, गेहूं के आटे की रोटी बनती है, यहाँ ज्वार और बाजरे की रोटी बन रही है, तो ज्वार और बाजरे का स्वाद ही अलग होता है। लेकिन क्या है ना कि ये इधर समुदाय वगैरह में लोग ज़्यादा खाते हैं, हमारे यहाँ तो फिर वही गेहूँ पैक होकर आटे के रूप में पैक होकर पहुँचता है, तो हमें खाने का सौभाग्य तो प्राप्त होता नहीं। इधर हम आए जैसे यहाँ मेले में, तो ये अभी हमें रोटियाँ मेले में ही मिली हैं समुदाय की दुकान से, और एक दो समुदाय वाले और बना रहे हैं रोटियाँ, लेकिन जनरली ये नहीं मिलती है। जिस खाने को लोग खूब पसंद कर रहे हैं वो खाना पूरी तरह से देसी अंदाज में बनाया जा रहा है। लोहे के तवे, लकड़ी कंडे के चूल्हे, मिट्टी के बर्तनों में इन सब चीजों को बनाया जा रहा है। इनका टेस्ट भी वैसा ही रखा गया है जैसा कि आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में पसंद किया जाता है। चूल्हे पर मंद मंद लौ में मक्का, ज्वार, पन्निया बनाया जा रहा है, तो वहीं मटके में बैंगन का भरता लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इसी के साथ मिर्च की चटनी की भी खासी डिमांड यहाँ देखने को मिल रही है। इस भोजन का लुफ्त लेने वाले लोगों का कहना था कि भोजन वाकई बहुत स्वादिष्ट है। वहीं मेले में प्रवेश द्वार पर जनजातीय क्षेत्रों से आई महिलाएं पारंपरिक परिधान में मिट्टी के चूल्हों पर मिट्टी के ही बर्तनों में ज्वार और मक्का की रोटियां बनाती हुई लोगों को काफी पसंद आ रही थीं। भोजन करने के बाद कई लोग इन महिलाओं के फोटो और इनके साथ सेल्फी लेते हुए भी देखे जा सकते थे। कुल मिलाकर इस मेले में अलग ही आकर्षण और क्रेज देखने को मिल रहा है। यहाँ हजारों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मेला लोगों को कितना पसंद आया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।